देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 35 चैन बुन ली है। अब देखिए हम इसकी फर्स्ट रो जो बुनेंगे, तो फर्स्ट रो फ्रेंड्स हम सिंगल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो बुनकर फोर रो में हम बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थर्ड रो तक सिंगल क्रोशे से देखिए बुन लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फोर रो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने एक मुंडू ज्वाइंट कर लिया है, एक चैन बुनेंगे और इसे पलट देंगे। और देखिए अब भी सिंगल क्रोशे से ही बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। देखिए 5 टाइम बुनने के बाद फ्रेंड्स हमने देखिए यहाँ बुनना है, हमने इस पे बुनना है तो इसके नीचे देखिए 1 2 3 यानी यहाँ से आपने एक इस तरह से एक बड़ा सा चैन इस तरह एक बुनना है। ये एक हो गया, फिर आपने देखिए सिंगल क्रोशे से बुनना है, एक दो तीन चार और ये पांच। पांच के बाद देखिए ये 6, तब हम इसमें बुनना था तो इसके नीचे चलिए 1 2 3 के बाद छोड़ के यहाँ से आपने फिर इस तरह से उठाना है, फिर सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने 5 गिनने हैं, 1 2 3 4 5। फिर देखिए फ्रेंड्स 1 2 यहाँ से आपने एक सिंगल की क्रोशिया से आपने इस तरह बुनना है। फिर देखिए फिर 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 4 रो आएगी बन करके। और देखिए 5th रो में क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 5th रो में हमने सिंगल क्रोशिया से ही बुनना है, तो 5th रो पूरी आप सिंगल क्रोशिया से व्हाइट से ही बुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने 5th रो सिंगल क्रोशिया से बुन ली है। अब देखिए हम 6th रो बुनेंगे। देखिए 6th रो हम सिंगल क्रोशे से ही बुनेंगे। देखिए यहाँ तक 2 3 4 5। 5 के बाद देखिए 5 हो गई और एक ये 6। देखिए जो बुना हुआ है ना फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने बुनना है इसके ऊपर, ये जो आपने एक बड़ा सा बुना था। अब हम इसके बराबर में से ही देखिए जब हम यहाँ बुनेंगे तो आप यहाँ ले जाइए, यहाँ से आपने अब इस तरह बुनना। फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, एक ये 2 3 4 और ये 5। देखिए पहले 5 था ना, 5 तक बुन लिया। अब जो हम ये 6 बुनेंगे तो पहले हम इसके नीचे से यानी यहां से बुनेंगे,
इस तरह, देखिए, फिर हम इस तरह एक दो तीन चार पांच, पांच बुन लिया। देखिए इसके नीचे से यहां से देखिए इस तरह बनेगा, इस तरह से मैंने देखिए 6 रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 7 रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स, हम पलट के इसे सिंगल क्रोशिए से ही बुनेंगे। तो 7 रो आप सिंगल क्रोशिए से बुन लीजिए, फिर 8 रो में हम बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 7 रो पूरे सिंगल क्रोशिए से बुन ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 8 रो जो बुनेंगे पलट के बुनेंगे। एक चैन बुन लीजिए और अब देखिए यहां से बुनेंगे हम पहले एक दो तीन चार पांच, देखिए 5 हो गए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने यहां से 5 के लिए, अब आपने देखिए, अब जो बुनेंगे आप यहां से बुनेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह, फिर आपने सिंगल क्रोशिए से ही बुनना है, दो तीन चार पांच, जहां तक आपने फ्रेंड्स देखिए ये जो आपने बड़ा सा बुना है, यहां तक आपने पूरा सिंगल से ही बुनना है। उसके बाद आपने यहां से आगे यहां से बुनेंगे इस तरह से, फिर आपने सिंगल क्रोशिए से ही बुनना है। इसमें बुनेंगे तो ऐसे चलिए और यहां से बुनेंगे। सिंगल क्रोशिए से बुनेंगे, इसके नीचे से यहां से बुनेंगे, इस तरह। तो ये हमारी 8 रो इस तरह कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। इस तरह से इसका लुक आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 9 रो जो बुनेंगे हम, एक चैन बुनेंगे पहले, फिर 9 रो पूरी हम सिंगल क्रोशिए से ही बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ब्लू कलर का ऊन इसमें लगाएंगे यहां से लेके। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिंगल क्रोशिए से बुना है यहाँ तक, देखिए जो है यहाँ तक आपने सिंगल क्रोशिए से ही बुनना है इस तरह। अब देखिए यहाँ बुनेंगे तो इसके नीचे चलिए, इसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से ब्लू से निकालना है ये इस तरह। फिर देखिए सिंगल क्रोशिए से ही बुनेंगे,
अब हम इसके नीचे चलेंगे यहाँ और यहाँ से इस तरह से इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, आपने सिंगल क्रोशिया से ही बुनना है। यहाँ तक ही, यहाँ तक बुन लिया। अब हम इस पे बुनना है, मतलब इसके नीचे यहाँ पे यहाँ से हम ग्लू से बनाएंगे इस तरह। फिर हम सिंगल क्रोशिया से ही बुनेंगे। यहाँ बुनेंगे इसके नीचे, यानी यहाँ से फिर से इस तरह। एक 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 रो में आपने डिजाइन डालना है और इसके पीछे वाली रो आपने सिंगल क्रोशिया से ही बुननी है। इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे आपने ये नीचे तीन बनाए थे, इसी तरह अब आपने ब्लू से बनाना है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसकी देखिए ऐसे लुक आई है। देखिए, जैसे फ्रेंड्स आपने ये व्हाइट वाला बुना था, इसी तरह से मैंने ब्लू बुना है ऊपर, और अब आपने फिर से व्हाइट बुनना है और इस तरह आपने डिजाइन बनाना है। और देखिए इसका ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।